हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छाई पर बुराई के प्रतीक दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता में डीसीपी पश्चिम मोनिका सेन ने की। इस बैठक में पूर्व और पश्चिम जिला के पुलिस अधिकारी सहित दशहरा पर्व मनाने से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में डीसीपी मोनिका सेन ने पुलिस और अन्य विभागीय अधिकारियों को दशहरा पर्व पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम जी की सवारी निकलने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया। इसके साथ यहां सफाई और बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भी संबंधित विभागों के अधिकारियों का पाबंद किया। इस रास्ते की सड़क को सुधारने के लिए भी उन्होंने कहा कि रावण का चबूतरा मैदान और आसपास के स्थानों पर सुरक्षा के माकूक बंदोबस्त हो। इसके लिए यहां रावण दहन देखने के लिए आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के बंदोबस्त के भी निर्देश दिए। उन्होंने उत्पाती और शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और त्योहार पर खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों की किसी हाल में नहीं बख्शा जाए। बैठक में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पूर्व और पश्चिम के सभी एडीसीपी, एसीपी, थानाधिकारी, यातायात पुलिस अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, जलदाय, डिस्कॉम आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।